देखिए क्वेश्चन नंबर दो है, इसके पहले आप लोग पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा, है ना, उसके लिए पहली वीडियो इसके डिस्क्रिप्शन में रहेगी, अभी तो लास्ट में कॉम्बिनेशन करके डाल देंगे, ठीक है। देखिए अब ये बहुविकल्पीय प्रश्न का क्वेश्चन नंबर दो है, 2024 का मार्क पेपर है, ठीक है, दो चार दिन बचा है, दोस्तों के पास शेयर कर दो, सब लोग समझ जाएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी, लास्ट में देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या, देखिए आसान ट्रिक, जैसे वो कहेगा बड़ी से बड़ी, तुम समझ जाना एचसीएफ लगाना है, क्या बताया भाई ने, जैसे ही कहेगा बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, तुम समझ जाना एचसीएफ लगाना है, क्या लगाना है, एचसीएफ, समझ आ गया भाई लोग। उसके बाद जिससे, मतलब उस संख्या से इसमें और इसको विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 बचे, प्रत्येक दशा में शेषफल 5 बचे, तो क्या करना है मेरे भाई, सो ऐसा नहीं है कि तुम वो इससे बताओ कि जो दोनों को काट दे बस काम खत्म, ऐसा नहीं है, ये कह रहा है कि दोनों को काटे भी और 5 बचे भी, यार काटने तो हमें सिर्फ निकाल दे कट जाए, लेकिन यार ये 5 आ गया यार, मनोज गई का हम 5 बचाएंगे, है ना, वो दिक्कत हो गया होगा, देखिए मैं प्रॉब्लम दूर करता हूँ, मैं दिक्कत दूर करता हूँ भाई लोग, है ना, टेंशन मत आओ, देखिए अब ये 5 जो लाना है ना, 5 बचे, एक काम करो पहले 5 घटा लो, जानते हो क्या बोल रहा हूँ, 5 घटा लोगे ना, 5 घटा लोगे तो जब तुम एचसीएफ निकाल लोगे तो उसको काट देगा, तो जब तुम 5 घटाए रहोगे वो 5 भी जब उसमें जुड़ जाएगा आएगा वही 5 बच जाएगा, बस मैं नहीं सर, अच्छा बताओ देखो, जैसे मान लीजिए ये अपने सामने है ये और ये, तो सब में से 5 घटा लो, सब में से क्या कर लो 5 घटा लो, सुनो मेरी बात सुनो, जब हम लोग इसमें से 5 और इसमें से 5 घटा लेंगे, इससे 5 घटाएंगे 2 40, इससे 5 घटाएंगे 1 32, समझ आ गया, अब हम लोग इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे, समझ आ गया, अब हम लोग इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे, तो सुनो हमारा एचसीएफ क्या करेगा, वो इन दोनों को काट देगा, लेकिन इन दोनों को काट देगा और जैसे इसमें भाग दोगे तो ये 5 बच नहीं जाएगा, हाँ सर आ गया ना, सर एक बार करके दिखाइए, सुनो जैसे मान लीजिए मैं इन दोनों का जा रहा हूँ एचसीएफ निकालने, हैंड कर जा रहा हूँ एचसीएफ ऑन कर, एचसीएफ निकालने के क्या करते हैं, बहुत सारी विधियां हैं, मैं एक विधि बता रहा हूँ, इससे इसमें भाग दे दो, ठीक है, इससे इसमें भाग दे दो, 2 40 आका 1 0 3 2, तो कितनी बार जा रहा है, देखिए 2 5 10 4 5 80, 5 बार जा रहा है, 4 बार जा रहा है, 4 बार ले जाओ 24 24 96 और 1 हो गया 0, 4 बार गया ना, 4 बार चला गया ना, और टाइम गया, तो अभी देखो 2 और 13 6 तो 7 हो गया, ये खत्म, ये आ गया 2 4 0, कितनी बार जा रहा है, ध्यान देखिए, ठीक है 7 3 21 दो 6 3 बार जा रहा है ना, 2 3 6 7 3 21, देखिए कितना गया था, 24 आ गया ना, 24 हट गया ना, देखो अपना आंसर हो गया 24, देखो अपना आंसर आया गया ना, देखो आया गया आंसर, देखो 24 आ गया अपना, इसके पे जिस पर कट जाए, ध्यान दो, जिस पर कट जाए, जिस पे जीरो आ जाए वो एचसीएफ, जिस पे जीरो आ जाए वो क्या है एचसीएफ, अब अगर हमको चेक करना हो, देखो आपको चेक करना है, अगर हम इस 24 से इसमें भाग देंगे तो कट जाएगा, इसमें भाग देंगे तो भी कट जाएगा, लेकिन अगर इसमें भाग देंगे तो ये 5 बच जाएगा, और इस 1037 में भाग देंगे तो 5 बच जाएगा, और हमारा प्रश्न यही कहा है कि इसमें और इसमें भाग देंगे तो 5 बच जाएगा, समझा गया, समझा गया, अगर समझा गया भाव तो आग लगा दो सब लोग कमेंट में, आओ देखो फिर से देखो, अगर हम इससे 24 से, अगर हम इस 24 से इसमें भाग देते हैं मेरे भाई, इधर आओ, अगर हमको चेक करना हो, अगर हमको चेक करना हो, देखो चेक करना हो, लो 24 से भाग देते हैं भाई, लो 24 कट गया 5 0, देखो ये 5 बच गया ना, 5 बच गया ना, अब अगर हम 24 से इसमें भाग दे, देखो मैं भाग देता हूँ, टेंशन मत लेना, मैं भाग देता हूँ, 24 24 96, 13 7 खत्म, 7, देखो 24 में बात कर, देखो 5 बच गया ना, आ गया ना आंसर, देख रहे हो, मतलब इस 24 से इसमें भाग गए तो 5 बच गया, इसमें भाग गए तो 5 बच गया, तो इसमें सॉल्व हो चुका है ना, आगे सब सुन में फिर से देखिए, एक बात और बता रहा हूँ, क्वेश्चन ये कहा था कि वो बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, मैंने कहा था ना कि जैसे बड़ी से बड़ी कहेगा तुम समझ जाना, एचसीएफ पूछा है, क्या पूछा है, एचसीएफ, अब एचसीएफ कौन सा समझते हो ना, आई बताया था इसके पहले वाले वीडियो में, है ना, साथ में कॉम्बिनेशन करके डाल दूंगा, लेकिन इसके पहले इसके पहला वीडियो देखना, क्वेश्चन नंबर 1 डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, आओ इधर, तो तुमको क्या करना, ध्यान दो बड़ी से बड़ी संख्या होगी, मतलब एचसीएफ पूछ लिया है, ठीक है, किसकी, मतलब जिसमें इससे इसको, मतलब जिससे
इसको और इसको विभाजित करें तो शेषफल 5 बचे, शेषफल क्या बचे 5, शेषफल क्या बचे 5। सुनो तो वैसे हम एचसीएफ निकालते तो वो तो काट देगा, लेकिन यार 5 बचाना है तो क्या करना था, इसलिए 5 घटा दिए, इसलिए क्या कर दिए 5 घटा दिए। अब जब 5 घटा दिए तो दोनों को एचसीएफ निकाल दिए, एचसीएफ इस तरह से निकाल दिए जिसपे आ गया 0, हो गया एचसीएफ। अब इससे भी आ गया, देखो हम भाग लेके देखे भी है, 5 हो गया 5 गया, समझ आ गया ना। अगर आप लोग को समझ आया हो तो वीडियो को शेयर कर दो दोस्तों के साथ। हेलो, अगर ना अच्छा लगा हो तो लाइक मत करो यार, सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। धन्यवाद, बाकी सारी वीडियोस को हम कॉम्बिनेशन करके देंगे आप लोग, ठीक है, देखते रहिए। धन्यवाद।